शहर के विवेकानंद वार्ड में रहने वाले मछुआरे नरेश वानखेड़े यह 29 जुलाई को 4 बजे घर में मेहमान आने से उनके लिए वनान नदी में मछलियां पकड़ने गए, लेकिन शराब के नशे में होने की वजह से वह नदी में डूब गए। तब आज उसका शव वनान नदी के कौड़ा घाट शिवार में नदी में मिला। स्थानिक मछुआरों युवकों ने करीब 3 दिन नरेश की खोजबीन की, मगर उसका पता नहीं चला। विधायक समीर कुनावार के अथक परिश्रम के रहते 1 अगस्त को दोपहर को शहर में NDRF की टीम दाखिल हुई और उन्होंने नरेश की खोजबीन शुरू की। आखिरकार आज सुबह 6 बजे कुछ लोगों को नरेश का शव नदी के कवट घाट शिवार में एक छोटे पुलिया में लटका नजर आया। इसकी जानकारी मिलते ही विधायक समीर कुनावार, तहसीलदार श्रीराम मुनरा, थानेदार संपत चौहान, नगर परिषद के मुख्य अधिकारी अनिल शक्ताप, RI हेमने, पटवारी घवघवे और अधिकारी कर्मचारी नदी पर पहुंचे कि आखिर NDRF टीम ने शव को नदी के बाहर निकाल लिया। शव की हालत बहुत शव विच्छिन्न अवस्था में थी। गुरुवार दुपारी 4 वाजता हिंगणघाट येथील वना नदी मध्ये एक नरेश विठ्ठलराव वानखेडे हा 50 वर्षाचा एक तरुण हा पुरामध्ये वाहून गेला आणि वाहून गेल्यानंतर त्याचा शोध घेतला, पण शोध घेतल्याच्या नंतरही तो सापडला नाही आणि लगेच मग जिल्हा प्रशासनाला याची माहिती दिली आणि यांच्याकडून आम्ही NDRFच्या टीमची मागणी केली की NDRF टीमचं बचाव पथक या ठिकाणी आलं पाहिजे आणि त्यांनी शोधकार्य केला पाहिजे। याचा पाठपुरावा सुरू होता। शेवटी काल म्हणजे रविवारी दुपारी 4 वाजता हे NDRFचं पथक आलं। खूप त्रास गेला NDRFचं पथक येण्यासाठी, वारंवार सूचना दिल्या कलेक्टर महोदयांना, बाकी प्रशासनाला, शेवटी आपले माजी वित्तमंत्री सुधीरभाऊ मुनगंटीवार यांनासुद्धा मी फोन केला आणि यांनी मुंबईला फोन करून इथले डायरेक्टर श्री माळी यांच्याशी फोन करून लगेच हे NDRFचं पथक काल हे आलेलं आहे। BCN न्यूज के लिए हिंगणघाट से रवि येनोरकर की रिपोर्ट।